ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे बैली टेस्ट। ठीक है, बैली स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली जो हम आज मैं आपको बताऊंगी वो स्क्रीनिंग है और बैली टेस्ट है। पहले तो आप लोग ये बताओ कि स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीन बाय स्क्रीनिंग टेस्ट? देख के करते हैं उसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, या और कोई भी? और बताओ तुम लोग क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट की मतलब क्या है? अगर हम किसी टेस्ट को कह रहे हैं कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है तो इसका क्या मतलब होता है? सिम्टम ऑब्जर्व करते हैं उसको। तुम लोगों ने डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम सुना है? डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं? हाँ, क्या ऐसे क्वेश्चंस वगैरह या फिर कुछ भी जिसके बेसिस पे हम ये पता कर पाते हैं कि इसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है। डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग टेस्ट के ही मतलब तो मैं समझाना चाह रही हूँ ना, क्योंकि तुम लोगों ने स्क्रीनिंग टेस्ट बिल्कुल ही अलग ही बता दिया। डायग्नोज होने के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई करना, ये और भी गलत है। डायग्नोसिस का क्या मतलब है, मुझे सिंपल ये बताओ तुम लोग पहले। डिजीज को पहचानना कि क्या डिजीज है। डिजीज तो हम सिम्टम के बेसिस पे भी पहचान लेते हैं, तो डायग्नोसिस टेस्ट का मतलब कहाँ से आ जाता है बीच में? फॉर द कंफर्मेशन, ठीक है, बिल्कुल श्योर शॉट कंफर्म करने के लिए वी अप्लाई डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, अभी तुम्हें डिप्रेसिव मूड हो रहा है, तुम डिप्रेशन में हो, यानी कि तुम्हारा क्लास करने का दिल नहीं कर रहा है, कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा है, क्राइंग मूड में हो क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है। ठीक है, अब कई सारे लोग तुम्हें कह रहे हैं, ये एक हफ्ते से चल रहा है, कई सारे लोग तुम्हें कह रहे हैं अरे तुम तो डिप्रेशन में जा रही हो, ठीक है, या डिप्रेशन में हो। अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग तुम्हारे जो भी सोशल सर्किल में लोग होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव होंगे, वो अलग अलग स्टेटमेंट देंगे, तुम्हें डिप्रेशन हो गया, कोई कहेगा डिप्रेशन में जा रही हो, कोई कहेगा कि तो, लेकिन ये डायग्नोसिस नहीं है। ठीक है, डायग्नोसिस कब कंफर्म होगी? जब एक एक्सपर्ट आपको देखेगा उस फील्ड का, उसको सिम्टम्स के बेसिस पे उसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट अप्लाई करे या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में देखे उसे। डायग्नोसिस करने के लिए वी एज एन साइकोलॉजिस्ट क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? डीएसएम या ICD-10-11 जो भी है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे, तो उसमें क्या होते हैं, सिम्टम्स ही तो होते हैं। ठीक है, तो वो टेस्ट तो नहीं है, फिर भी हम उसे डायग्नोसिस करते हैं ना। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे या डायग्नोस्टिक टेस्ट पे, यानी कि कंफर्म कर देना कि ये बच्चे या बच्ची या किसी भी पर्सन को ये डिजीज है या ये डिसऑर्डर है या नहीं है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायग्नोसिस। ठीक है, स्क्रीनिंग इज जस्ट ऑपोजिट, स्क्रीनिंग बिल्कुल अलग है। स्क्रीनिंग यानी स्क्रीन कर लेना, पहले आपको जनरल पॉपुलेशन में मैंने एक टेस्ट अप्लाई किया, मान लो तुम सब बच्चे यहाँ बैठे हो, मैंने एक एंजाइटी का टेस्ट तुम सब पे अप्लाई कर लिया, मुझे तो तुम में से किसी ने नहीं बताया कि तुम लोग को एंजाइटी है ना, मुझे पता, मैंने जस्ट एक एंजाइटी का स्केल अप्लाई किया है एंड फिर मुझे उसमें से दिखा कि चार लड़कियों को एंजाइटी, मतलब उनकी सीवियर आ रहा है या मॉडरेट लेवल पे आ रहा है या माइग्रेट। ठीक है, तो इसमें क्या, मैंने स्क्रीन किया जनरल पॉपुलेशन में से कि किसको हो सकता है, वो कंफर्म नहीं है टेस्ट, स्क्रीन किया मैंने, इसमें से छांट लिया। मतलब अगर चार लोगों को स्क्रीन मैंने किया कि इनमें एंजाइटी सिम्टम्स हैं, उसके बाद उस पर फिर अप्लाई करेंगे डायग्नोस्टिक टूल कि वाकई हैं या फिर ऐसे ही हो गए,
तो स्क्रीनिंग टेस्ट की जो वो वेटेज होती है, वैल्यू होती है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट से कम होती है। ठीक है, वो जस्ट आप क्विक टेस्ट होता है, एक्चुअली ये क्विक है, आसान होता है, इसीलिए ज्यादा अप्लाई किया जाता है कि आपने अप्लाई किया, जल्दी हो गया, जल्दी से आपने असेस किया कि इस बच्चे को ये परेशानी हो सकती है, उसके बाद आगे फर्दर उस पर काम करना शुरू। ठीक है ना, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कन्फर्म उसको है। कन्फर्म जब ही कहेंगे जब तक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में नहीं आएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, अब इट वाज डेवलप्ड बाय नैंसी बैली। ठीक है, नैंसी बैली ने इसे स्टार्ट किया था, और इसमें क्या है कि हम डेवलपमेंट देखते हैं बच्चे का। डेवलपमेंट किस एरिया में होता है बच्चों का, किस किस एरिया में हम चेक करते हैं? देखो, अब तुम लोग की 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं, कई पेशेंट देख लिए हो, तुम लोग ऐसे वेग वेग में नहीं बोलो। यू हैव साइकोलॉजी बैकग्राउंड, यू आर मास्टर्स नाउ। ठीक है, तो मास्टर्स स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है तो ये सही बात नहीं है। आप लोग उसको पढ़ो भी है, इट्स नॉट कि आप लोग को सिर्फ बताया ही जाए या मैं बताऊं या कोई और बताए तभी आपको समझ में आएगा। आप खुद भी पढ़ सकते हो, आजकल इतना ज्यादा इंटरनेट पे यूट्यूब्स है, आपके गूगल्स है, आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, आप कुछ भी कहीं पे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक, तो आप लोग खुद पढ़ो कैसे क्या है डेवलपमेंट, क्या होता है बच्चों का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंटल डिले हम कब कहते हैं कि बच्चा पीछे चल रहा है, या डेवलपमेंटल डिले का मतलब तो पीछे ही चलना हुआ ना, तो हम कब कहेंगे कि बच्चा डेवलपमेंटल डिले है या फिर उसको प्रॉब्लम है, और किस किस एरिया में है? तो स्पेसिफिक 5 से 6 डोमेन होते हैं जिसमें, बहरहाल इसमें मुझे कवर नहीं करना था, लेकिन अब तुम लोग को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। देखो, बेसिकली क्या है कि 5 से 6 एरिया में हम देखते हैं बच्चों का डेवलपमेंट, जिसे हम डोमेन भी कह सकते हैं, एरिया भी कह सकते हैं। ठीक, जो हम बैली में करेंगे, बैली में क्या है, कॉग्निटिव, मोटर, ठीक है, एंड लैंग्वेज, 3 एरिया में हम इसमें देखते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये जो स्क्रीनिंग, बैली स्क्रीनिंग है, ये हम थर्ड कर रहे हैं, बैली स्क्रीनिंग थर्ड, इस अब 4th भी आ गया है हमारा। ठीक, तो इसमें क्या है, बेसिकली हम देखते हैं कि इन 3 एरिया में बच्चों का डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। अब डेवलपमेंट का क्या मतलब है ये बताओ, कि मान लो फाइन मोटर की हम बात कर रहे हैं, 3 तो ये ब्रॉडर एरिया हो गया। अब ग्रॉस मोटर में क्या आपका आता है? नहीं, मोटर में 2 आ गया, ग्रॉस एंड फाइन। ठीक है, ग्रॉस एंड फाइन क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में? बेसिकली जहां पे लार्ज मसल्स का काम होता है उसे ग्रॉस मोटर वर्क करते हैं, फाइन मोटर यानी स्मॉल। ठीक है, फाइन हैंड मूवमेंट वाले जितने भी काम है वो फाइन मोटर में आएंगे। इवन व्हेन यू अप्लाई दिस बैली टेस्ट, तुम देखना विजन भी तुम्हारा फाइन में आएगा, विजन ट्रैकिंग एंड ऑल। ठीक है, वो भी फाइन में आता है। ठीक, तो इसमें जो डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, डेवलपमेंट का मतलब क्या है ये बताओ अभी, तो बेसिक मुझे लग रहा है तुम लोग का अभी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ। बेसिकली क्या है कि डेवलपमेंट हर बच्चे का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, अब बच्चे का वो डेवलपमेंट एक तरह से उसका एक क्राइटेरिया डिफाइन है कि बच्चा 9 महीने पे अगर पेन से ग्रेस्पिंग करना है तो उसे करना है। डिले कब होगा, जब 1-2 महीने उसका और हो जाएगा, यानी 10 महीने तक भी नहीं कर रहा है, 11 महीने तक भी नहीं कर रहा है, देन वी कैन से कि बच्चा डेवलपमेंटल डिले में जा रहा है। ठीक है,
तो इसका एक फिक्स क्राइटेरिया है, ये तुम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर तुमने वो चीज नहीं पढ़ी तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है। ठीक, अभी इसमें भी जितने आइटम तुम लोग देखोगे वो सारे बच्चे से, इट्स अ परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक, इसमें जो हमने कल VSMS पढ़ा था वो इंटरव्यू, सेमी इंटरव्यू बेस्ड था, बट ये आज का जो है बैली टेस्ट वो परफॉर्मेंस टेस्ट से बच्चे से करा के ही हमें देखना है कि बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो बैली टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, ये एक तो ये वाला जो हम कर रहे हैं वो स्क्रीनिंग है, इसके डायग्नोस्टिक भी आता है टेस्ट, लेकिन वो हमारे पास नहीं इसलिए हम नहीं करते। और फिर हम लोगों का क्योंकि क्लिनिकल सेटअप है, इतने नंबर ऑफ पेशेंट है कि हम डायग्नोस्टिक में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग स्क्रीन आउट करते हैं। ठीक, तो स्क्रीनिंग टेस्ट क्विक होता है। ठीक है, और इसको करने के बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना जरूरी है। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कॉग्निटिव और स्लाइड्स। ठीक है, ये भी तुम्हारा इट्स कवर्ड। कॉग्निटिव सबस्टेंस में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या एसेस करते हैं कॉग्निशन में, अटेंशन, नॉवेल्टी प्रेफरेंस, हैबिचुएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लोरेशन, मैनिपुलेशन, प्ले, ऑब्जेक्ट रिलेटेडनेस, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड अदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सारे चीजों को कवर करता है हमारा बैली इन कॉग्निटिव सब्जेक्ट्स में। जितनी भी हम चीज कॉग्निटिव आइटम में करा रहे हैं बच्चों के साथ वो ये सारे चीजों को कराता है। ठीक, अब इसमें बेसिकली क्या है, जो ये अटेंशन है, अटेंशन क्या होता है, हाँ, और नॉवेल्टी प्रेफरेंस क्या होता है, नॉवेल्टी प्रेफरेंस किसे कहेंगे हम, नॉवेल्टी प्रेफरेंस जैसे कोई नई चीज है, नए ऑब्जेक्ट को, नई चीजों को जो हम बिल्कुल एकदम वैसे देखते हैं। अब मैंने ये पेन हजारों बार देखी है तो आज ये मेरे लिए नया नहीं है, मतलब मैं इतना इसको फोकस करके नहीं देख रही हूँ, अच्छे से नहीं देख रही हूँ, लेकिन ये मेरे सामने फर्स्ट टाइम लाओगे और ये टेक्निक लाओगे तो मुझे लगेगा वाओ क्या है, तो मैं बिल्कुल अलग ढंग से देखूंगी। तो बच्चा जो इस तरह से चीजों को देखता है उसको आप नॉवेल्टी प्रेफरेंस, हैबिचुएशन, एग्जाम्पल दीज ऑल एडियल एक्टिविटीज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, हैबिचुएशन क्या है, हैबिचुएशन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडियल एक्टिविटी, हैबिचुएशन का कॉन्सेप्ट बताना है तुम्हें यहाँ पे, एग्जैक्टली क्या अडेप्ट करता है वो बच्चा, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हमने AC ऑन कर देंगे तो हमें बहुत बुरा फील होगा, मैं जब पढ़ाऊंगी तो मैं फील करूंगी बहुत डिस्टर्बेंस है, आफ्टर 10 or 20 minutes आई बी हैबिचुअल। ठीक है, फिर वो बोल रहा है मैं इसको नहीं सुनूंगी, दिस इज कॉल्ड हैबिचुएशन। हैबिचुएशन स्विमिंग पूल में आप जाते हो, व्हाट यू फील फर्स्ट टाइम, एकदम ठंडा होगा, आपको पैर नहीं जाया जाएगा, व्हेन यू गो थोड़े आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम सेकेंड मिनट क्या फील होता है, फिर आप हैबिचुएट हो जाते हैं, फिर आपको वो इतना ठंडा इतना वो नहीं लगता है, तो आपको वो हैबिचुएशन होता है। रेलवे क्रॉसिंग के पास जो लोग रहते हैं आप उनके घर जाओ आप बैठ नहीं पाओगे, बट वो आराम से रह रहे हैं उसमें, पढ़ भी रहे, लिख भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता, दे आर हैबिचुएटेड। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट तुम लोग को ऑलरेडी आने चाहिए। ठीक है, हाँ, क्या बच्चे हमसे अलग है, दिस इज नॉट कॉल्ड हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का कॉन्सेप्ट ही तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो मुझे लग रहा है। हैबिचुएशन मीन्स जो आपकी सेंसरीज है, सेंसरीज से एडेप्टेशन होना,
और एडेप्टेशन और हैबिचुएशन में भी डिफरेंस होता है। अगर तुम ज्यादा अच्छे से पढ़ोगी तो दो, ये दो कॉन्सेप्ट भी अलग हैं। तो यही तो पढ़ने की बात है ना। तुम लोगों ने ये सीख लिया कि हम कोई काम करा रहे वो हैबिचुएशन है। काम कराना इज नॉट कॉल्ड हैबिचुएशन। सेंसरीज पे हम जब काम करते हैं, सेंसरीज से रिलेटेड है हैबिचुएशन। आपके ईयर आईज देखने का, सुनने का हैबिचुएशन में काम आता है। व्हेन यू डू बैली, आप जब रिंग करोगे बच्चे को तब देखोगे कि बच्चा हैबिचुएट हो रहा है कि नहीं। दो बार तुमने रिंग किया फौरन देखेगा, तीन चार बार रिंग करोगे तो वो देखेगा ही नहीं। दिस इज कॉल्ड हैबिचुएशन। हैबिचुएशन और परफॉर्मेंस में अलग फर्क है बेटा, ठीक है। एक्चुअली मुझे लगता है तुम लोगों ने कॉग्निटिव लेवल पे, तुम लोगों ने पियाजी की थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? क्या पढ़ी है, क्या पढ़ी है पियाजी की? हाँ, क्या होता है डेवलपमेंटल एज? वी डोंट नीड टर्म्स, हमें ये पता करना है कि वो क्या होता है। सेंसरी मोटर क्या होता है, क्या होता है? वो हो गया सेंसरी मोटर। तुम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या पढ़ाया जाए? बिल्कुल ABCD से स्टार्ट किया जाए। पढ़ के आना कल पियाजे की पूरे एग्जाम्पल के साथ। तुम लोगों से पूछूंगी मैं क्या होता है सेंसरी मोटर। फिर आज तो तुम लोग बिल्कुल वेग बता रहे हो, ये बिल्कुल तुम लोगों ने ऐसा कर दिया कि लेमैन भी शायद ऐसे नहीं बताएगा। मतलब सेंसरी मोटर इज क्वाइट डिफरेंट, तुम उसको डेवलपमेंट में ले गए। पियाजे की पूरी थ्योरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में है। अगर तुमने उसकी सारी स्टेजेस पढ़ी है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट तुम लोग को ये सब चीजें खुद ही आनी चाहिए थी, ये मुझे बताना ही नहीं पड़ता। समझ रहे हो? ये पढ़ के आओ। रिसेप्टर में जो हम लोग देखते हैं ऑडिटरी डेवलपमेंट, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, वोकैबुलरी रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक है। थ्री कॉन्सेप्ट्स, सॉरी, ठीक है। अब इसमें ऑडिटरी में क्या है, रिसेप्टिव क्या होता है और एक्सप्रेसिव क्या होता है, पहले तो तुम लोग ये बताओ। लैंग्वेज में दो बाइफर्केशन होता है, थ्री ब्रॉडर हो गए, लैंग्वेज में दो हो गया, क्या हो गया? रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव ओनली अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हैं हम उस चीज को? मान लो बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो बोल नहीं सकता है क्योंकि उसकी वो एज ही नहीं आई है बोलने वाली, बट क्या वो अंडरस्टैंड करता है चीजों का? अगर आप दिखाते हो, वर्बल तो नहीं है, बोल तो नहीं पा रहा है, लेकिन उसे अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये ग्लास है, इशारे से बता ले रहा है, कह ले रहा है, मांग ले रहा है, ठीक है। बोल तो नहीं रहा है कि ग्लास दो, पानी दो, ठीक। तो अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है? तो पहले हमारे डेवलपमेंट बेसिकली सिक्वेंशियल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले तुम्हारा फाइन मोटर डेवलप हो जाएगा फिर ग्रॉस मोटर डेवलप होगा। फर्स्ट ग्रॉस मोटर डेवलप होगा फिर फाइन मोटर डेवलप होगा। रिसेप्टिव पहले आएगी फिर एक्सप्रेसिव आएगी, ठीक है। तो इट्स अ सिक्वेंशियल। अगर मैं डेवलपमेंटल तुम लोग को प्रॉपर पढ़ाती तो उसमें मैं तुम्हें बता दी कि क्या सिक्वेंशियल कैसे होता है, ठीक है। तो अब खैर वो तुम लोग को खुद पढ़ना होगा अब, ठीक है। तो इसमें ऑडिटरी डेवलपमेंट, ऑडिटरी डेवलपमेंट मतलब रिसेप्टिव यानी अंडरस्टैंडिंग किसी चीज की, ठीक है। रिसेप्टिव कर रहे हो। अब ऑडिटरी डेवलपमेंट में क्या आ गया तुम्हारा? रिस्पॉन्डिंग टू द वॉइस। कहीं से भी आवाज आई, बच्चे ने उस पर रिस्पॉन्स किया या नहीं किया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग साउंड मीन्स फॉर एग्जाम्पल, हाँ एग्जैक्टली, तुमने बेल बजाया घंटी वाला,
एक तुमने बटन वाला बेल बजाया, रिंग किया, तो उसमें दोनों में डिफरेंशिएट कर रहा है कि नहीं, या दोनों को सेम समझ रहा है? ठीक है, लोकलाइजिंग, हाँ एग्जैक्टली, पीछे से आ रही, सामने से आ रही, दाएं से आ रही, बाएं से आ रही है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है तुम्हारा, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एंड पिक्चर दैट रेफर्ड, ठीक है, ठीक है ना, कि कुछ भी अगर वो वोकैबुलरी आने लगे उसकी ना, वोकैब में आ गए हम, यानी बोलने में आ गए, ठीक है, वो तो ऑडिटरी थी, सुनने में, ये वोकैबुलरी में हो गई, कि अगर तुमने कोई पिक्चर दिखाया तो वो बताएगा ये कैट है, ठीक है। अब ये प्रोनाउंस वगैरह, इसका हायर वो आ गया वोकैबुलरी रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट में, प्रोनाउंस, चिल्ड्रन सोशल रेफरेंसिंग एंड वर्बल कॉम्प्रिहेंशन आर आल्सो इंक्लूडेड, यानी इसमें प्रोनाउंस भी उसने सीख लिया बोलना, ठीक है। तो ये दो नीचे वाले वोकैबुलरी है, वो ऑडिटरी है। एक्सप्रेसिव में कितने आइटम है तुम्हारे, 24 है, इसमें प्री वर्बल कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें एक्सप्रेसिव में आती है। एक्सप्रेसिव में प्री वर्बल में ये बैबलिंग वगैरह आ गया जो तुम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हो, ठीक है। नेमिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नाम और पिक्चर, अब उसमें क्या था, बेसिकली उसमें क्या था, अंडरस्टैंडिंग थी, जब हम पीछे जाएंगे इसमें अंडरस्टैंडिंग थी। जैसे ये वोकैबुलरी डेवलपमेंट में क्या था, जब तुमने पिक्चर दिखाया और पूछा बेटा कैट कहाँ है, तो उसने पॉइंट किया, बोला नहीं, पॉइंट किया उसने, लेकिन यहाँ पे क्या है, उस चीज को बोलेगा बच्चा एक्सप्रेसिव में, ये डिफरेंस है। ग्रॉस मोटर तो हम सभी जानते हैं, सिटिंग, स्टैंडिंग एंड ऑल, ठीक है, इसको तो नहीं है, तो सिर्फ इसके फाइन मोटर में देखो विजुअल ट्रैकिंग भी आएगा, रीचिंग आएगा, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, ग्रास्पिंग, फंक्शनल हैंड स्किल कैसे काम कर रहा है। अब बैली स्क्रीनिंग में क्या आइटम होते हैं वो यहाँ पे शो किया है, ये क्या है, मैनुअल होता है इसका एक, स्टिमुलेशन बुक है, रिकॉर्ड फॉर्म, ये सारे इसमें दिए होते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये पैग्स हैं, पैग्स जो लंबी स्टिक सी होती है ना, गोल सी, जिसे हम उसमें वगैरह, ये बेल है, ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है, बॉटल विद लीड्स हैं, क्लियर बॉक्स, कप विद हैंडल, डॉल, ये तुम्हारे जो है डिस्क हैं गोल गोल, ठीक है, ये लार्ज बॉल है, पैग बोर्ड, पिक्चर बुक, पजल बोर्ड, रैटल, रिंग विद स्ट्रिंग, ठीक है, डक्स हैं ये, शू लेस, स्क्वीजिंग टॉयज, स्टेपिंग पाथ, स्टोरी बुक, एंड दिस इज ग्लास, ये जाने लगे, ठीक है, ठीक है, ये स्पून्स हैं, क्रेयॉन्स हैं, टू वॉश क्लॉथ्स हैं, ठीक है, ये सारे बैले स्क्रीनिंग में तुम्हें खुद मिलेगा जब तुम, ठीक है, इसी से ही सारा बच्चे से हम सारी चीजें कराएंगे, ये सारे आइटम से कराएंगे और फिर उसको हम स्कोरिंग करेंगे, ठीक। अब ये क्या है, ये वाले बेसिकली, ये जो तुम्हारा ये तुम्हारा स्क्रीनिंग टेस्ट रिकॉर्ड फॉर्म ऐसे ही होता है, स्क्रीनिंग रिकॉर्ड फॉर्म इसके टेस्ट के साथ ही मिलता है, इसको यू हैव टू फुलफिल फर्स्ट, ठीक है। ये चाइल्ड का डेमोग्राफिक हो गया, ये तुम्हारे डोमेन हो गए, कॉग्निटिव, रिसेप्टिव कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, ये तुम्हारे स्कोर के बेसिस पे लास्ट में लिखा जाएगा। इसमें अगर तुम्हारा कोई कमेंट है तो वो लिखोगे तुम, जो भी तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, कमेंट है, और ये तुम्हारा, इसको तुम्हें पहले फिल करना होगा। एज कैलकुलेशन का कल तुम लोगों से बोला था मैंने, पढ़ के आए हो आज, मैंने फजल में तुम लोगों को सेंड भी किया था, ठीक है, वैसे तो और भी वीडियोस होंगी उस पे। तो ये एज कैलकुलेशन सब बहुत जरूरी है, बिफोर एनी डेवलपमेंटल टेस्ट यू हैव टू कैलकुलेट एज कैलकुलेशन, ठीक है, और इन इन टेस्ट में तो बहुत जरूरी होता है, ये टेस्ट इसी पे बेस्ड होते हैं, और एडजस्टेड एज का भी कॉन्सेप्ट जरूर मतलब आपको करना है। एडजस्टेड एज का मतलब क्या समझते हो,
उल्टा बोलो जस्ट उसी को। नाइन्थ का है, अगर वो पहले पैदा हो गया तो 3 मंथ्स का होगा वो। यू आर सेइंग ऑपोजिट, जस्ट ऑप। एक्चुअली क्या है कि जो प्री टर्म बच्चे होते हैं, प्री टर्म यानी वक्त से पहले बच्चे पैदा हो जाना। अब वक्त से बच्चा पहले पैदा अगर हो गया है तो जाहिर सी बात है जो पेट में 9 महीने उसे होने थे, वो पेट में 9 महीने डेवलप होता, फिर बाहर आता, फिर उसका डेवलपमेंटल स्टार्ट होता। कहने का मतलब ये है, अब वो 2 महीने पहले मान लो 7 महीने में पैदा हो गया तो उसका भी 2 महीने पीछे चल रहा है ना और बच्चों से। और हमने अगर उसको 2 महीने आगे से उसका डेवलपमेंट अगर हम उसका मेजर करेंगे तो वो जाहिर सी बात है डिले में आएगा, हालांकि वो डिले होगा नहीं। इसलिए एडजस्टेड एज कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और प्री मैच्योर बच्चा कब तक हम मानते हैं प्री मैच्योर होता है? तुमने अगर वीडियो देखी तो तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। 36 वीक से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसे हम प्री टर्म मानते हैं, 40 वीक्स तक फुल टर्म मानते हैं, यानी टर्म बेबी है मेरा, ठीक है। तो उसमें हमें नहीं जरूरत नहीं है एज कैलकुलेट, एडजस्टेड एज कैलकुलेट करने की। एडजस्टेड एज प्री टर्म बेबीज में होगा। इसीलिए जब बच्चा बहुत छोटा लग रहा है तो आपको बार बार पूछना होगा बच्चा पहले तो नहीं पैदा हुआ था, बच्चा पहले तो आप एडजस्टेड एज उसका निकालोगे, ठीक है ना। तो एज कैलकुलेट करना, पहले तो एज कैलकुलेशन आना चाहिए आप लोग को, एज कैलकुलेशन के साथ फिर एडजस्टेड एज कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरह के बच्चे आपके पास आएंगे तब। और एडजस्टेड एज किस एज तक निकालते हैं? तुम चुप रहना, तुम लोग बताओ। एडजस्टेड एज क्या, मैं हम मतलब बच्चा पैदा हो गया प्रीटर्म, अब हम जब जब उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं 1 साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे, 5 साल पे, तो क्या हम उसका एडजस्टेड एज हमेशा निकालते रहेंगे? नहीं, 2 साल तक, 2 साल तक बेबी का एडजस्टेड एज आपको निकालना है, ठीक। ये जो बच्चे कल आए थे वो तो पढ़ लिए हैं, तुम लोग भी इसको देख लेना एज निकालना, ठीक है, एडजस्टेड एज और एज। अब इसमें ये जो ए बी सी डी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। तुम दिस इज बुकलेट जो मैंने यहाँ पे इसकी फोटो ही लगाई है, ठीक है। अब तुम लोग ये देखोगे, देखो इसको, ठीक है, ये तुम्हें फिल करना आना चाहिए। अब इसमें बेसिकली तुम लोग जब बुकलेट देखोगे तो वहां पे ए बी सी डी तुम्हें क्राइटेरिया मिलेगा हर डोमेन में। चेक इट आउट, ए के अंदर कुछ आइटम्स होंगे, फिर बी के अंदर कुछ आइटम्स होंगे, फिर सी के अंदर कुछ आइटम होंगे, फिर डी के अंदर कुछ आइटम होंगे, ठीक है, देख पा रहे हो ना तुम लोग। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है, अगर बच्चा 1 to 6 months है तो हम क्या लेंगे उसको, ए कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे, मतलब आपको शुरू से स्टार्ट करना है, वेन टू स्टार्ट वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगर 7 से 12 महीने का बच्चा है तो बी से स्टार्ट करेंगे, 13 से 24 मंथ का बच्चा है तो सी से स्टार्ट करेंगे, एंड 25 to 42 months का है तो डी से स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन, बट वही वाली कल वाली बात आ जाती है कि अगर कोई बच्चा हमें देखने में लग रहा है कि मान लो वो 42 मंथ्स का है लेकिन वो ये आइटम भी नहीं कर पाएगा, उसकी नेक होल्डिंग भी नहीं है, तो हमें पीछे से ही करना है, ठीक है। अगर बच्चा तुम्हें नॉर्मल नॉर्मल लग रहा है तो ये रेंज से स्टार्ट कर लोगे। तुम लोग मान लो यहाँ पे ये वाला हमारा बच्चा 7 to 12 months का है, मान लो 12th month का बच्चा हमारे पास आया, तुमने अप्लाई स्टार्ट किया बी से, बी वाले आइटम वो पूरे कर ले रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो
यू हैव टू गो बैक, ठीक है, ए वाले में चले जाओगे पीछे पीछे करके। अच्छा, जो तुम एज कैलकुलेट करोगे ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, ये तो मैंने ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, ये 16 डेज में भी तो हमारे बच्चे का आता है ना एज कैलकुलेशन में, अगर मोर देन 16 डेज है तो उसको हम नेक्स्ट मंथ में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और लेस देन 15 डेज है तो उसे ठीक है। ठीक है, ये बुकलेट तुम लोग के पास है, इसमें बेसिकली क्या है कि जितने भी तुम्हारे आइटम्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें क्लियर लिखा है कि आपको कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है, ये बुकलेट है, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ तो शॉर्ट लिखा हुआ है, रिगार्ड ऑब्जेक्ट फॉर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के अंदर बच्चा ऑब्जेक्ट को रिगार्ड कर रहा है कि नहीं, उसे देख रहा है, छू रहा है, जो भी जिस तरह से भी रिगार्ड कर रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको रिंग चाहिए विद स्ट्रिंग, एक रिंग होती है जिसमें स्ट्रिंग लगी होती है ना, अगर तुम पिछले वाले फिगर में अगर देखोगे, ये वाला, दिस वन, ठीक, तो इसमें क्या है कि द चाइल्ड गेजेस कंटिन्यूअसली एट ऑब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ठीक है। तुमने रिंग रख दिया, बॉल रख दिया, स्मॉल ऑब्जेक्ट रख दिया, टेबल पे ही यूं तुमने रख दिया, अब बच्चा उसको देख रहा है कि नहीं, 3 सेकेंड के लिए भी देखा है तो वी हैव टू गिव 1 मार्क्स, अगर 3 सेकेंड के लिए उसने नहीं देखा है, मान लो वो 3 सेकेंड देख करके इधर उधर देख रहा है, तब भी वी हैव टू गिव 1 मार्क्स, ठीक है। इसी तरह दूसरा है, ऐसे ही सो ऑन तुम्हें करते जाना है, ठीक है। ये जब तुम लोग करोगे, बैठ के पढ़ोगे सारे आइटम, इसमें और डिटेल में दिया हुआ है कैसे करना है, तुम्हें किस तरह से प्रेजेंट करना है, बच्चे के सामने रखना है। जैसे पहला वाला, तुम लोग कोई आओ यहाँ रीड करो जरा, क्या लिखा है ये पूरा, किसकी रीडिंग सही है यहाँ पे। ये पहला आइटम पढ़ो, कैसे करेंगे हम कॉग्निटिव सब्सटेंस में, अगर वो कंटिन्यूअसली गेज कर रहा है तो 1 पॉइंट, 3 सेकंड के लिए अगर गेज कर रहा है तो 1 पॉइंट, नहीं कर रहा तो फिर 0। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग टेस्टिंग गेम द चाइल्ड्स अटेंशन, ब्रीफली इंटरैक्ट विद द चाइल्ड एंड देन मूव आउट द चाइल्ड्स विजन, उससे बात करके उसका अटेंशन ट्रैक करना है। व्हाइल ऑब्जर्विंग द चाइल्ड्स फेस, आस्क द केयर गिवर टू मूव इनटू द चाइल्ड्स विजुअल फील्ड एंड गेट द चाइल्ड्स अटेंशन, उसका मतलब उसका अटेंशन इधर-उधर करना, फिर उसके बाद अटेंशन। क्या मतलब इसका, कैसे करोगे, मान लो तुम्हारे पास बच्चा है, कैसे करोगे उसे, कुछ बोल के दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, स्पाइन हेड स्लाइटली प्रोपडेड, ठीक है। सुपाइन क्या होता है, सुपाइन पोजिशन क्या होती है, सुपाइन मीन्स जैसे हम ऐसे पीठ के बल जो लेटते हैं, ठीक है, उसे सुपाइन कहते हैं। आपने उस बच्चे को लेटा दिया स्लाइटली उसका हेड ऊंचा करके, ठीक है। अब ड्यूरिंग द टेस्टिंग गेन द चाइल्ड्स अटेंशन, उसके अटेंशन को गेन करो, तुमने ऐसे लेटाया सामने, उसके अटेंशन को गेन किया, ब्रीफली इंटरेक्ट विद द चाइल्ड एंड देन मूव, तुम उससे हट गए, अटेंशन चाइल्ड का गेन किया, पहले तुमने बात किया, अब तुम हट गए, तो चाइल्ड तुम्हें देख रहा है जहां तक तुम जा रहे हो या नहीं, ऐसे करना है इसे, ठीक है। द चाइल्ड एक्सप्रेशन चेंज टू इंडिकेट रिकॉग्निशन व्हेन द केयर गिवर इंटरेक्ट विद हिम और हर, चाइल्ड में स्माइल और लुक इंटेंशनली, ऐसे नहीं देख ही रहा है, कुछ भी चीजें कर रहा है, इसका मतलब अगर आपसे अट्रैक्ट हो रहा है आपके जाने के बाद भी, तो वी हैव टू गिव 1 मार्क्स, ऐसे ही सारी चीजें करनी है तुम लोग को, ठीक है। तो ये डिटेल दिया हुआ है कैसे करना है, ठीक है। ये रिसेप्टिव के आइटम है, ये एक्सप्रेसिव के हैं, ये फाइन मोटर के हैं, ग्रॉस मोटर के हैं।
अब इसको कैलकुलेशन कैसे करना है। अच्छा, इसका तुम लोगों ने एज रेंज तो पूछा ही नहीं, नहीं जीरो तो होता ही नहीं इसमें। वन मंथ से लेके 42 मंथ तक वी हैव टू अप्लाई दिस टेस्ट। 42 मंथ्स, 3.5 मंथ्स हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है तुम्हारा, ये नंबर्स रॉ स्कोर जितने आ गए ना, मान लो वन इसमें आ गया, जीरो इसमें आ गया, फिर वन आ गया, जीरो आ गया, वन 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 वन, जीरो जीरो, जितने भी ये रॉ स्कोर आएंगे तुम्हारे, रॉ स्कोर को ऐड कर लेना है तुम्हें हर सब टेस्ट में, सबका अलग अलग, ठीक है। नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट ए बी सी डी। ए बी सी डी तो तुम्हें करते वक्त ध्यान रखना है कि बच्चा ए कैटेगरी में आ रहा है एज में, तो ए से स्टार्ट कर देंगे, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये तो डोमेन वाइज तुम करोगे, कॉग्निटिव के कितने वन आ गए, रिसेप्टिव के कितने आ गए, एक्सप्रेसिव के कितने आ गए, फाइन के कितने आ गए, ग्रॉस के कितने आ गए, सबके अलग अलग तुम्हारे पास टोटल आ जाएंगे हर एक बच्चे का, ठीक है। ठीक है, फिर इसमें ये स्कोरिंग शीट है, इससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तुम्हारे पास सबके रॉ स्कोर आ गए इन सबके, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये रॉ स्कोर आने के बाद ऊपर एज भी दिया हुआ है ऑलरेडी। मान लो तुम्हारा बच्चा 3 मंथ्स का था, तो तुम इसमें देखोगे, अब देखोगे मान लो इस बच्चे के स्कोर्स ये हैं, इट मींस कि वो इमर्जिंग में आ रहा है, जो मैं ई लिखती हूँ वो इमर्जिंग हो गया, सी सी कॉम्पिटेंट हो गया, आर मीन्स रिस्क हो गया, ठीक। अब इस तरह से तुमने देख लिया कि मान लो ये बच्चे का स्कोर, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसको छोड़ो इसमें तो बहुत कम, हम ये ले लेते हैं अपना 6 मंथ वाला बेबी, ठीक है। 6 मंथ वाले में हमारा रॉ स्कोर आ गया, इसमें आ गया 3, रिसेप्टिव में आ गया 5, और इसमें आ गया एक्सप्रेसिव में भी 5 कर लेते हैं, और फाइन मोटर में आ गया 3, ग्रॉस मोटर में आ गया 5, ठीक। ये हमारे स्कोर आ गए मान लो एक बच्चे के। अब हमारा ई कहाँ, 3 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो ये रिस्क में आ गया। रिसेप्टिव कम्युनिकेशन में 5 है हमारा रॉ स्कोर, 5 इमर्जिंग में आ गया, ठीक। अब एक्सप्रेसिव में कितना है, 5 है, 5 कॉम्पिटेंट में आ गया। 3 किधर है, 3 आपका रिस्क में आ गया, 5 ग्रॉस में, 5 इमर्जिंग में आ गया। तो ये हमारे बच्चे का डेवलपमेंट है, ठीक है, स्कोर। ऐसे स्किल स्कोरिंग करेंगे। अब कॉम्पिटेंट, इमर्जिंग और रिस्क का क्या मतलब है, कॉम्पिटेंट, इमर्जिंग और रिस्क का क्या मतलब है। कॉम्पिटेंट यानी लोअर रिस्क है डेवलपमेंट का, उसको जरूरत नहीं है इतनी कि दोबारा उसका डेवलपमेंट किया जाए, जरूरी है तो 6-7 महीने बाद बुला के एक बार और करके देख लो। इमर्जिंग यानी थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, तो ये थोड़ा रिस्क हो सकता है, ये डिपेंड होता है प्रैक्टिशनर पे, जैसे कि जो भी वहां पे एक्सपर्ट है वो डिसाइड करेगा दोबारा बुलाना है या नहीं बुलाना है। अगर उसे लग रहा है बिल्कुल सही है तो कोई जरूरत नहीं है, या फिर वो उसको 6-7 महीने 1 साल बाद फिर बुला के एक बार कर सकता है, क्योंकि सम रिस्क में तो आ ही रहा है ना, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। एट रिस्क में मोस्ट लाइकली, इसमें तो आपको डायग्नोस्टिक टूल करना ही करना है, उस पर काम करना ही करना है, वो डेवलपमेंटल डिले में आना ही आना है उसे, ठीक। तो कॉम्पिटेंट, इमर्जिंग और रिस्क का मतलब समझ में आ गया ना हम लोगों को, ठीक है। ये स्क्रीनिंग ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड, ठीक। तो इसमें कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क। हाँ, इस स्क्रीनिंग से डेवलपमेंटल डिले हम डायग्नोस कर पाते हैं, यानी इससे डायग्नोस भी नहीं कर पाएंगे, इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट से तो डायग्नोस कर लेंगे,
बट इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो इमर्जिंग में आ रहा है, कॉम्पिटेंट में आ रहा है या एट रिस्क है। अगर मान लो वो एट रिस्क आ रहा है तो हमें डायग्नोस्टिक टूल अप्लाई करना चाहिए, फिर उसके बेसिस पे उसका इंटरवेंशन हमें स्टार्ट करना है। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें वो ग्रॉस मोटर में एट रिस्क आ रहा था, तो उसमें आपको वर्क करना ही करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको थेरेपी प्लान करनी होती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इसके आइटम को कई बार रीड करो, एक दूसरे पे अप्लाई करो, बच्चे पे अप्लाई करो, रख रख के अप्लाई करो, तभी आएगा। देखने में स्टेटमेंट इज सिंपल, बट जब तुम करोगी उसको, जब चार बार रीड आउट करोगी तब समझ में आएगा, अच्छा ये कह रहा है। ऐसे हम सोचेंगे कि नहीं हम पढ़ रहे हैं ये तो बहुत इजी है, बच्चे को ऐसे करना है, ठीक है ना। इसमें मैंने छोटी छोटी वीडियो बेलिंग पे डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, कुछ कुछ चीजों, कुछ कुछ आइटम की, वो तुम लोग देख सकते हो कि वो कैसे किया हुआ है बच्चे के साथ, ठीक। आप लोग को अब करना है, यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हो, ठीक है, थ्योरी नॉलेज के लिए नहीं हो कि हम यहाँ क्लास लेते रहे और आप सुनते रहो। नहीं, मेरी तो क्लास नहीं होनी है, इट्स डन, क्योंकि